सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH 28 शेरपुर मुजफ्फरपुर। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मैं आपके साथ रिया राज। खबरों में आगे बढ़ेंगे पर उससे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ, बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़े। मनियारी थाने की पुलिस ने टोल प्लाजा से दो गार्ड को फर्जी लाइसेंस पर राइफल रखने पर गिरफ्तार किया। 300 लोगों के ट्रक को फर्जी तरीके से बेचने वाले नटवर लाल को सदर थाने की पुलिस ने रिमांड पर लिया। और निगम के कर्मचारी ने अधिकारी पर चलाया थप्पड़, निगम कार्यालय में मची सनसनी। तो यह थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मनियारी थाने की पुलिस ने टोल प्लाजा से दो गार्ड को फर्जी लाइसेंस और दो राइफल के साथ किया गिरफ्तार। मनियारी थाना क्षेत्र से एक अनोखा मामला सामने आया है जहां NH 28 स्थित टोल प्लाजा पर अवैध हथियार के साथ दो गार्ड को गिरफ्तार किया गया है। दोनों गार्ड फर्जी लाइसेंस वाले अवैध राइफल लेकर ड्यूटी कर रहे थे। पुलिस ने जांच के बाद दोनों गार्ड को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दोनों के पास से राइफल और 10 कारतूस भी जब्त किया गया है। मामले की जानकारी देते हुए DSP पश्चिमी 2 AC ज्ञानी ने बताया कि सूचना मिली थी कि मनियारी टोल प्लाजा पर दो गार्ड अवैध हथियार के साथ ड्यूटी कर रहे हैं। जांच में दोनों के राइफल के लाइसेंस फर्जी मिले हैं। दोनों गनमैन गार्ड की पहचान सुनील कुमार और मनन यादव के रूप में हुई है। ये दोनों कैच सिक्योरिटी एजेंसी के तहत जुड़कर मनियारी टोल प्लाजा पर ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन दोनों के हथियार के लाइसेंस फर्जी थे। DSP ने बताया कि मामले में एजेंसी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि बिना जांच पड़ताल के गार्ड को ड्यूटी पर कैसे रखा गया। मनियारी थाना अंतर्गत टोल प्लाजा पर सूचना प्राप्त हुई कि गनमैन के रूप में जो ड्यूटी कर रहे हैं और उनके पास फर्जी लाइसेंस है और उसी के आलोक में ये ड्यूटी कर रहे हैं। जो इसके आलोक में सत्यापन जब कराया गया इनको, तो दोनों लाइसेंस फर्जी पाया गया है। एक का खगड़िया का बना हुआ था, एक आदमी का सुनील कुमार का, एक मनन यादव जो है मिले हैं, जो औरंगाबाद के मनन यादव जो शाहपुर के थाना क्षेत्र भोजपुर जिला का रहने वाले हैं। इनका लाइसेंस गोपालगंज जिला से बना हुआ है। दोनों जगह विशेष दूत भेज कर सत्यापन कराया गया तो दोनों जगह बताया गया ये फर्जी है, वहाँ से ये लाइसेंस निर्गत ही नहीं हुआ है। तत्पश्चात जो है दोनों आर्म्स को इनके एक नाली बंदूक है DBVL, एक नाली बंदूक 12 बोर को जिसको जब्त किया गया और गोली भी बरामद की गई इनके पास से। कितने गोली बरामद की गई? एक आदमी के पास 4 गोली बरामद हुई, एक के पास से 6 गोली बरामद हुई। ये रजिस्टर्ड थे वहाँ पर जहाँ पे काम कर रहे थे? नहीं, ये जो थे सिक्योरिटी एजेंसी जो कैच है मुजफ्फरपुर के, कैच सिक्योरिटी एजेंसी है, उसी के माध्यम से टोल टैक्स के जो ओनर हैं वो हायर किए थे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर इसको लिए थे और वही उपलब्ध कराए थे गनमैन को। क्या सिक्योरिटी कंपनी पर भी कार्रवाई होगी? जी निश्चित रूप से, क्योंकि उनका ड्यूटी बनती है कि जिसको भी आप दे रहे हैं निश्चित रूप से वेरिफिकेशन के बाद ही उनको देना है। राइफल कहाँ का निर्मित है? प्रथम दृष्टा तो इंडिया का ही स्पष्ट नहीं हो रही है, इसका फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी, जहाँ से निर्मित है उसका पता लगाई जा रही है, लेकिन ये रेगुलर आर्म्स से है। अच्छा, ये टोल प्लाजा पर ऐसा नहीं कहें कि मैंने उनका राइफल रखने का मुख्य उद्देश्य क्या है टोल प्लाजा पे, वाहन मालिकों को धमकाने या फिर वाहन चालकों को धमकाने उमकाने के उद्देश्य से? नहीं, अभी ये तो बात प्रकाश नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी के क्योंकि रात ही 24 आवर्स खुली रहती है, इसलिए उससे सिक्योरिटी के लिए कि रात में आकर के कोई टोल प्लाजा के पास कुछ लूटपाट नहीं करे, कोई असामाजिक तत्व आके कोई किसी को धमकावे नहीं, इसके लिए रखे हुए थे। कितने दिन से ये लोग यहाँ पे कार्यरत हैं? ये लोग ये 1-2 साल से यहाँ कार्यरत हैं। नहीं, अभी कोई सूचना नहीं दी ये लोग, और इन लोग से पूछे तो बताया कि नहीं, हम लोग तो सिक्योरिटी एजेंसी के माध्यम से लिए हैं, वो जिम्मेदार है कि वो कैसे पता चला कि ये लोगों का लाइसेंस जो है। अच्छा, एक्चुअल गुप्त सूचना मिली कि जो ड्यूटी जो कर रहे हैं इनके पास से अवैध रूप से जो है फर्जी लाइसेंस है जिसके वह ड्यूटी कर रहे हैं। दोनों कहाँ के रहने वाले हैं? एक है मनन यादव जो रहने वाले हैं, ये भोजपुर जिला के शाहपुर थाना के रहने वाले हैं। एक सुनील कुमार हैं, ये औरंगाबाद के पोथू थाना के रहने वाले हैं। जबकि लाइसेंस में दोनों का जो पता जो इस पते पर इशू हुआ है
एक मनंजय के गोपालगंज के जिले के मीरगंज थाना के पता शिशु हुआ है, एक सुनील कुमार के खगड़िया जिला के परवत्ता थाना क्षेत्र के अंतर्गत से किसी को शिशु हुआ है। दोनों हथियार अवैध है, क्योंकि आर्ट्स अवैध है, क्योंकि लाइसेंस अवैध है, इसलिए आर्ट्स भी धारित करना भी अवैध है। आगे क्या कुछ करवाई? हाँ, इस पर केस दर्ज करके जो अग्रिम कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि दस्तावेज भी बराबर फूट रसीद है और जो 420 किया गया है और उस पर जो है जाली फर्जी लाइसेंस पर जो है अवैध रूप से आर्म्स धारित कर कर रहे हैं। 300 लोगों के ट्रक को फर्जी तरीके से बेचने वाले नटवर लाल को सदर थाने की पुलिस ने रिमांड पर लिया है। उत्तर बिहार के विभिन्न जिलों से 300 से अधिक ट्रक लीज पर लेकर गायब करने के आरोपी सत्येंद्र सिंह को सदर पुलिस ने रिमांड पर लेकर कोर्ट में प्रोडक्शन वारंट पर पेश किया है। जिले के सदर थाने में दर्ज 50 से अधिक FIR मामले में पुलिस आरोपी सत्येंद्र सिंह से पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग से पुलिस उसे गुरुवार को कोर्ट में पेश करने पहुंची है। यहां कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद फिर वापस पूछताछ के लिए ले जाया गया है। सत्येंद्र सिंह मूल रूप से जिले के सदर थाना क्षेत्र के भगवानपुर यादव नगर का रहने वाला है। उसके खिलाफ ट्रक लीज पर लेकर गायब करने को लेकर 50 से अधिक प्राथमिकी दर्ज है। सत्येंद्र सिंह से पूछताछ के बाद पुलिस टीम को इस केस में महत्वपूर्ण साक्ष्य हासिल हुए हैं। इसके साथ ही पुलिस जिले के DTO और RTO के कर्मी से भी पूछताछ करेगी। पूरे मामले में सिटी SP अवधेश सरोज दीक्षित ने सत्येंद्र सिंह को रिमांड पर लेने की पुष्टि करते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ से मुजफ्फरपुर कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद लाया गया है। इसके बाद आरोपी से पूछताछ की जाएगी। अब तक की जानकारी में सत्येंद्र सिंह के साथ कई और ट्रक के संचालक और अन्य लोग भी शामिल हैं। पुलिस इस मामले में गंभीरता से काम करेगी और मामले का खुलासा करेगी। 2022 में कई सारे केसेस रजिस्टर हुए थे, जिसमें मुजफ्फरपुर जिले के इवन आसपास के जिलों के भी कई सारे जो ट्रक मालिक थे उनके ट्रक को पहले लीज पे लिया गया था और फिर बाद में उनकी उनको दिखाया गया था कि उनका चोरी हो गया है। इस तरह से एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से 200 से ज्यादा ट्रक थे जिनकी चोरी हुई थी। हम लोगों ने उसमें बहुत सारी FIR वगैरह भी रजिस्टर की थी। इसमें पहले भी हम लोग कई लोगों की गिरफ्तारी कर चुके हैं। इस केस में जो मास्टरमाइंड था इस केस का, जिसने मुजफ्फरपुर जिले में ज़्यादातर लोगों से एग्रीमेंट किया था या फिर कनेक्ट करवाया था यहाँ के ट्रक मालिक को, उसका नाम सत्येंद्र है। इसको ये दुर्ग जेल में बंद था, पहले भी ये बंद था लेकिन ये छूट गया था। तो अभी हम लोग इसको पुलिस रिमांड पे लेकर के आए हैं और अब जल्दी हम लोग इसको पुलिस रिमांड पे लेकर के और इस गिरोह में और कौन कौन लोग शामिल थे और क्योंकि और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम इस केस में आया है, जो लोग इस केस में शामिल हैं और उसके बैंक ट्रांजेक्शन भी हमको मिले हैं, जो कई सारे लोकल लोग हैं, कई सारे ट्रक मालिक हैं जिन्होंने FIR करवाया है वो भी इस ग्रुप में शामिल है, जो अभी तक उन लोगों का नाम कहीं भी इस केस में नहीं आया था। और ऐसे सारे लोगों को फिर हम लोग हमारी रडार में लेकर के और इन्वेस्टिगेशन में उनसे पूछताछ करेंगे। जिस प्रकार से टेम्परिंग और जो 600 RTO और DTO के लोग के बीच शामिल, बिल्कुल, तो इसमें छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले में एक FIR रजिस्टर किया गया था और उसमें ये चीज़ सामने आई थी कि जितने भी ट्रक यहाँ से बिहार से जा रहे थे उन सारे ट्रक्स का वहाँ पे इंजन नंबर चेसिस नंबर चेंज करके डेंटिंग पेंटिंग करके और उन ट्रक्स को बेचा जा रहा था और उसमें वहाँ के भी कई सारे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के जिला प्रशासन के भी लोग छत्तीसगढ़ के दुर्ग के शामिल थे, तो उन पे वहाँ पर कार्रवाई की गई है। अगर हम लोगों के यहाँ पे किसी ट्रक में भी उन लोगों पे अगर पाया जाता है तो वो हम लोग इससे अभी पुलिस रिमांड पे लेकर के पूछताछ करेंगे, तब और क्लियर हो पाएगा। यहाँ पर ये एक तो इंश्योरेंस का काम करता था, शायद लाइसेंस वगैरह बनाने का भी काम करता था LIC में और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस में काम करता था। अयपुर यौन शोषण मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल भेज दिया। DBR यूनिक नेटवर्किंग कंपनी में नौकरी के नाम पर शोषण मामले में पुलिस ने बलिया से अजय प्रताप को गिरफ्तार कर लिया है। अजय को वायरल वीडियो में एक युवती को बेल्ट से पीटता हुआ देखा गया था। अजय को अप्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया है। इस बीच शोषण की शिकार हुई सारण की प्रीता ने कोर्ट में 164 का बयान दर्ज कराया है। बलिया से गिरफ्तार अजय प्रताप की कंपनी में काम करने वाली कई युवतियों से
अमानवीय व्यवहार का वीडियो सामने आया था। सिटी एसपी अध्यक्ष सरोज दीक्षित ने अजय प्रताप की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि इस मामले में अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, वहीं अन्य की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। इसमें हम लोगों ने FIR रजिस्टर करके परसों एक व्यक्ति को जेल भेजा था, एक व्यक्ति को हम लोग आज जेल भेजे हैं। जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें एक और व्यक्ति की पहचान हुई थी, उसको भी हम लोग अजय प्रसाद नाम का व्यक्ति है उसको हम लोग जेल भेज चुके हैं। और अभी तक के हमारे अनुसंधान में कहीं भी हम लोगों को यौन शोषण का कहीं मामला सामने नहीं आया है। और जो 100-200 लड़कियों की बातें चल रही थी, अभी तक एक भी लड़की हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि लड़कियों से संपर्क करने का, बट कोई भी लड़की हम लोग के सामने यौन शोषण को लेकर के का आरोप लगाने वाली बात अभी तक नहीं आई है। मीडिया के सामने लड़कियां आती है, पुलिस के सामने क्यों नहीं आ पा रही है? मीडिया के सामने अगर कोई आई हो तो मीडिया बंधुओं से हमारा वो है कि हमको वो लड़कियों के बारे में बताए ताकि हम पूछताछ करें। कल 164 का बयान दिया है। हाँ, 164 का स्टेटमेंट हम लोग का। पीड़िता के भाई ने भी आरोप लगाया था इस मामले को लेकर, कई गंभीर आरोप लगाए हैं। नहीं, पीड़िता का भाई खुद इस कंपनी में काम करता है। पीड़िता का भाई खुद बहुत सारे लड़के लड़कियों को इस कंपनी में काम करवाया है। तो अभी जो है अलग अलग जगहों पे कंपनी के बारे में क्या है इस तरह का? बिल्कुल, हम लोग कंपनी का सत्यापन तो किए ही हैं, बहुत सारी ब्रांचेस हैं, हम लोग इसका बाकी हम लोग सत्यापन कर रहे हैं इसमें, और कई सारी चीजों का हम लोग सत्यापन कर रहे हैं। टोटल कितनी गिरफ्तारी हो चुकी है सर? 2 गिरफ्तारी हो चुकी है। दूसरी गिरफ्तारी हुई है भोपाल से, वो भी गोरखपुर से हुई है। नाम अजय। उसका क्या पद था इस कंपनी में, क्या रोल था? वही सुपरवाइजर का काम करता था। नामजद था वो भी? हाँ, नामजद नहीं था बट वीडियो में था वो। वीडियो में था। डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा ने वार्ड नंबर 47 में चल रहे नाला निर्माण का औचक निरीक्षण किया। बुड़को के नाला निर्माण के क्रम में खोदे गए गड्ढे से परेशान जनता के द्वारा किए गए कम्प्लेन के आलोक में आज वार्ड नंबर 47 BMP 6 माली घाट में डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि नाला निर्माण के लिए जितने गड्ढे खोदे जाने थे उससे ज्यादा गड्ढे खोदे गए हैं। डॉक्टर मोनालिसा ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि जल्द ही समस्या का निवारण करें, जिसको एक कुछ ही घंटे बाद अधिकारियों द्वारा उक्त इलाके में समस्या दूर कर दी गई। सब मकान सब ढह रहा है, बाल बच्चा में जा कर डूब रहा है, वही में चल जाता है, कितना लोग देखेंगे है? आप छोड़ दिए, दो महीना छोड़ देते खोन का दूरा पर। इन दिनों से कम्प्लेन कर रही थी कि मैडम एक बार आके यहाँ देख लीजिए, क्योंकि रोड और नाले बन रहे हैं वहाँ पे, और उन्होंने एक एप्लीकेशन भी दिया था। तो परसों एप्लीकेशन उन लोगों का आया था, लेकिन मैं उनके, चूंकि बुड़को का वो नाला बन रहा है, तो मैं वहाँ गई हूँ आज निरीक्षण के लिए। तो देख रही हूँ कि 10 फीट का नाला बनाना है तो लोग 30 फीट करीब कोड़े हुए हैं, और ऐसा कोड़ाई हुआ है कि नाला का दोनों साइड तो ये लोग ढाल दिए हैं 2 महीना पहले, लेकिन उसके बाद नाले के किनारे की जो मिट्टी है वो ढाते ढाते लोग के घरों तक चली गई है। और उन लोग का बार बार कंप्लेन आ रहा था कि मैडम अगर अभी मिट्टी नहीं भराया गया तो घर ढह जाएंगे। और इधर साइड का रोड के साइड का भी ढहते ढहते आधा रोड मुझे लगता है कि टूटने के कगार पर है। तो मैं गई हूँ, देखी हूँ, बुड़को के जो इंजीनियर है रिजवान जी और पंकज जी, उनसे बात की हूँ, तो वो लोग आए हैं देखने के लिए। और बहुत अच्छी बात है कि उन लोगों के द्वारा तुरंत में 1-2 घंटों में संज्ञान लिया गया है और 2 हाइवा मिट्टी वहां गिराई गई है। दोनों साइड की मिट्टी अगर भर जाएगी तो लोगों के घर को बहुत हद तक बचाया जा सकेगा। पक्की सराय चौक पर शादी और किसी भी समारोह को लेकर फैंसी कपड़े का आउटलेट इमरान टेक्सटाइल का भव्य शुभारम्भ किया गया। शहर के पक्की सराय चौक पर गुरुवार को शादी ब्याह से संबंधित कपड़े एवं फैंसी कपड़ों की दुकान इमरान टेक्सटाइल का शुभारंभ सामाजिक कार्यकर्ता खुर्शीद आलम के द्वारा फीता काट कर की गई। इस दुकान में लखनऊ और दिल्ली के कुशल कारीगरों के द्वारा निर्मित कोट, पैंट, शेरवानी, बंडी एवं जीन्स और शर्टिंग सूटिंग बेचा जा रहा है। दुकान के प्रोपराइटर मोहम्मद इमरान ने बताया कि जिस प्रकार ऑनलाइन पोर्टल पर फैंसी शर्ट, पैंट, कोट, शेरवानी, बंडी दिखाए जाते हैं, उसी प्रकार हमारी दुकान में भी शर्ट, पैंट, कोट, शेरवानी मिलेंगे। इसके अलावा हर तरह का शूटिंग सेटिंग कपड़ा मौजूद है, साथ ही सभी कपड़े उचित मूल्य पर बेची जा रही है। मुजफ्फरपुर शहर में अपने प्रकार का ये पहला दुकान है जिसमें शादी विवाह से संबंधित
फैंसी आइटम बेची जा रही है। सभी लोगों से अपील है कि एक बार इस दुकान में अवश्य आएं और अपना मनचाहा ड्रेस लेकर जाएं। ब्रांड टेक्सटाइल्स का उद्घाटन किया हमारे बड़े भाई खुर्शीद भैया के माध्यम से उद्घाटन किया गया और यहाँ बेस्ट क्वालिटी का कपड़ा शादी विवाह से लेके स्पोर्ट्स का जितना आइटम है सब यहाँ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर इस चीज़ की कमी थी बहुत, अब यहाँ पर खुल गई है। जैसे देख रहे हैं आप, पगड़ी है, शेरवानी है, कोट है, सूट है, मतलब जितना आइटम है सब है। जो चीज़ चाहिए आप घर से सिर्फ कपड़ा पहन के यहाँ उतारिए और आप दूल्हा बन के जाइए, ऐसी व्यवस्था यहाँ की गई है। इमरान टेक्सटाइल शॉप खोला हूँ, सूट शेरवानी पूरा शादी का सेट मिलता है और लेडीज़ का भी सूट है और 800 में जेंट्स का सूट ओनली कोट ऑफर है और 399 में लेडीज सूट मिल रहा है और 249 में शर्ट मिल रहा है जेंट्स का। इमरान टेक्सटाइल बहुत अच्छी दुकान, पक्की सराय चौक पर ऐसे दुकान की ज़रूरत थी जो खुला है और यहाँ लोकल से लेके बाहर तक जो भी कस्टमर आते हैं मार्केटिंग करने उनको यहाँ का सामान बहुत पसंद आएगा। इसलिए कि सबसे बड़ी बात क्या है कि इस तरह की दुकान पक्की आज पक्की सराय चौक पे उस नौजवान के लिए जो अपनी ज़िंदगी का शुरुआत करता है निकाह के लिए शादी के लिए उस चीज़ का यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है। वो आए अपनी ज़िंदगी की शुरुआत यहाँ से जो है शेरवानी लेके और मतलब कि अच्छी ज़िंदगी की शुरुआत के लिए ये बहुत अच्छी दुकान है शेरवानी का, कुर्ते का और लेडीज़ लोग के लिए भी बहुत बेहतर है। यहाँ पे कुर्ती का भी व्यवस्था है और नए कपड़ा सिलाने के लिए भी कपड़े का थान है। पक्की सराय चौक पर राजू नैयर साहब की बिल्डिंग के नीचे ये आप लोग का आने में भी। इमरान टेक्सटाइल का उद्घाटन हुआ है, इसमें कंपनी के द्वारा इनके कुशल कारीगरों के द्वारा जो खासकर लखनऊ और दिल्ली से जो कारीगर आए, इनका बहुत बड़ा फैक्ट्री है वहाँ पे, पंडी हो गया, सूट हो गया, पैंट शर्ट का कपड़ा हो गया, ये सब का बहुत ही बेहतरीन आइटम जो हम लोगों को इंटरनेट और खासकर ये ऑनलाइन देखने को मिलता है वैसा डिजाइनर शेरवानी हो गया, उसका पगड़ी हो गया, ये सब डिजाइनर कोट पैंट शर्ट सेटिंग। कांटी प्रखंड के हरपुर मचिया खेल मैदान में सर्वर 11 क्रिकेट क्लब द्वारा मुजफ्फरपुर क्रिकेट लीग मैच का आयोजन शुक्रवार को होगा। सर्वर 11 क्रिकेट क्लब की तरफ से कांटी प्रखंड के हरपुर मचिया खेल मैदान में अंतर जिला मुजफ्फरपुर क्रिकेट लीग का आयोजन किया गया है। इसमें मुंगेर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, फारबिसगंज के समेत कई जिले की टीम भाग ले रही है। ये 3 दिवसीय टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है जो 21 जून से 23 जून तक चलेगी। 23 जून को फाइनल मैच होगा, जीतने वाली टीम को 1,00,000 रुपए का पुरस्कार और ट्रॉफी दी जाएगी। पानापुर हवेली के सरपंच राजकुमार राम ने बताया कि ये बहुत ही गर्व की बात है कि मुजफ्फरपुर जिला के ग्रामीण परिवेश में अंतर जिला क्रिकेट लीग का आयोजन किया जा रहा है। इसमें बिहार की सबसे मजबूत टीम हिस्सा ले रही है। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो राज्य स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट में खेलते हैं। मुजफ्फरपुर क्रिकेट लीग का पहला सत्र का आयोजन किया जा रहा है जिसमें सर्वर 11 मुख्य भूमिका में है। रात्रि का मैच है जिसमें यानी कि बिहार के बेगूसराय, मुंगेर, फारबिसगंज, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर और पारू की टीम इसमें खेलती नजर आएगी, जिसमें देश के बहुत अनेक से खिलाड़ी हैं जिनको कि लोग नाम से जानते हैं, चेहरा से नहीं देखे हैं, जो हम लोग के सामने वो खेलते नजर आएंगे और ये बहुत उत्साह का माहौल यहाँ पे है। ये हम लोग पानापुर हवेली पंचायत के हरपुर गणेश स्कूल के पीछे पोखर के एक प्रांगण में एक हम लोग नया स्टेडियम का निर्माण किए हैं, खेल ग्राउंड का निर्माण किए हैं, जिसमें 3 महीने से अधिक प्रयास के बाद ये खेल ग्राउंड आज लगभग लगभग पूरा हो गया है। कल से इस पर खेल का ये बात है कि आज हम भी बहुत सौभाग्यपूर्ण वाले मुखिया हैं जो काफ़ी अथक प्रयास से हमारे पंचायत के कुछ ऐसे लोग हैं जैसे गुलाम सरवर जी हैं, कुछ ऐसे मतलब माधोपुर मचिया के कुछ लोग हैं जिन्होंने प्रयास किया कि यहाँ पनापुर हवेली में एक ग्राउंड बने। इसमें हमारा सहयोग मांगा लोग, हमने सहयोग दिया भी और अब ये ग्राउंड तैयार हो गया है। तैयार होने के बाद में कल से यहाँ पर मुजफ्फरपुर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू होना है जिसमें स्टेट लेवल का लगभग लगभग
कई सारी तैयारी पूरी कर ली गई है और सारा मैच नाइट में ही है। 21 को 3 मुकाबला है, 2 लीग है, 1 सेमीफाइनल है, फिर 22 को 2 लीग है, 1 सेमीफाइनल है और 23 तारीख को फाइनल मैच का आयोजन है। 3 दिन का ये टूर्नामेंट है और जो बिहार की टॉप 8 टीम है खेल रही है और सारे ऑल ओवर इंडिया के सारे प्लेयर आपको खेलते हुए यहाँ दिखेंगे। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कचारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर, कॉल 9934753111। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहां उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहां अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा नारायणपुर रोड अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। त्योहारों के समय और इस लगन के अवसर पे मैं मनीष कुमार, यूए एसोसिएट का प्रोप्राइटर, हमारा नीलकमल का फर्नीचर का शोरूम है एक्सक्लूसिव जो मिठनपुरा चौक पे स्थित है। हमारे यहाँ कुचीना का चिमनी और जो गैस चूल्हा है उसकी एक विस्तृत रेंज है मॉडलर में। हरी डिस्काउंट से हमारे यहाँ सोफा पर, डाइनिंग टेबल पे, सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, जो 2-3 सालों से आप लोगों का हमें प्यार मिलता आ रहा है, हमारे यहाँ फिनांस की भी एक अच्छी व्यवस्था है और इस त्योहारों के अवसर पे हम चाहेंगे कि एक बार हमारे यहाँ आप पधारे और हमारे ऑफर्स का लाभ ले और हर खरीदारी पे हम लोग एक सुनिश्चित उपहार भी दे रहे हैं। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर एनएच के समीप स्थित है। शहर के लोग यहां मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुंच सकते हैं। यहां आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28 शेरपुर मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 6202584955। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम, हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट सैनिक स्कूल, स्कूल तल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है, साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ अतरदा मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर।
ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। नगर निगम कार्यालय में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक निगम कर्मचारी ने अधिकारी को थप्पड़ जड़ दिया। नगर निगम कार्यालय में एक अफसर के साथ कर्मी ने हाथापाई कर ली। अफसर के चैम्बर में हुई इस घटना की जानकारी बाहर आते ही सनसनी फैल गई। निगम के गलियारों से लेकर जन प्रतिनिधियों तक इसकी चर्चा हो रही है। यह घटना मंगलवार को तब हुई जब निगम के अफसर ने काम में कोताही व गड़बड़ी को लेकर कर्मी को अपने कक्ष में बुलाया था। पूछताछ के दौरान अचानक कर्मी ने बौखलाहट में अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार करते हुए हाथ छोड़ दिया। फिलहाल कारणों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। वैसे दो तरह की बातें सामने आ रही हैं। चर्चा है कि किसी तहसीलदार को गलत तरीके से सहायक के पद पर दिए गए प्रमोशन को लेकर सवाल पूछने पर कर्मी ने यह हरकत की है। इसके अलावा आवारा पशु पर नियंत्रण की कार्रवाई न होने के सवाल पर कर्मी के आपा खोने की बात सामने आ रही है। वहीं इस पूरे मामले पर निगम की उप महापौर डॉक्टर मोनालिसा ने बताया कि मुझे स्टाफ के जरिए घटना की जानकारी मिली है, यह गलत हुआ है, सीनियर का सम्मान होना चाहिए, इस मामले में दोषी कर्मी पर कार्रवाई जरूरी है। देखिए उस दिन मैं ऑफिस आई नहीं थी, अपने निजी कारणवश मैं घर पर ही थी। मुझे यहाँ के स्टाफ ने मुझे बताया कि मैडम ऐसी ऐसी बात है, तो अगर ऐसी बात हुई है तो बहुत ही गलत है। जूनियर को सीनियर की इज्जत करनी चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। नगर आयुक्त तो है नहीं, लेकिन अगर वो आते हैं उसके बाद इस पर जांच की जाएगी, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो ऐसे स्टाफ किसी और के साथ भी गलत कर सकते हैं। छता बाजार चौक पर नाला सफाई कर उसका कचरा सड़क पर छोड़ दिया गया जिससे आम लोग दिन भर परेशान रहे। शहर की सफाई के लिए नगर निगम के द्वारा प्रयास तो किया जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की उदासीनता के कारण शहर वासियों की परेशानी बढ़ी हुई है। आगामी बरसात के मौसम में जल निकासी में कोई कठिनाई न हो, इसके लिए अभी से नाले की सफाई शुरू कर दी गई है। शहर के बाजार एवं आवासीय क्षेत्र में नाले की सफाई की जा रही है, लेकिन यह स्थानीय लोगों एवं व्यापारियों के लिए पीड़ादायक बनी हुई है। नाले की सफाई कर निकाले जा रहे गाद को सड़क पर कई दिनों तक छोड़ दिया जा रहा है, जिस कारण गंदी बदबू एवं कीचड़ लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। ऐसा ही नजारा शहर के छाता बाजार के इलाके में देखा गया। यहाँ नाले की सफाई कर निकाला गया कचरा सड़क पर ही कई दिनों से छोड़ दिया गया है। इससे नालियां साफ तो हो रही हैं, लेकिन लोगों को समस्या से राहत नहीं मिल पा रही। नाले की सफाई कर निकाले गए गाद के उठाव की ओर नगर परिषद द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वह गंदगी रोड पर कई दिनों पड़े पड़े सूख जा रही है। गाद को उचित स्थान पर न फेंक सड़कों पर रखने से लोगों और दुकानदारों को आवाजाही में परेशानी के साथ बदबू जैसी समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है। नगर परिषद की ऐसी उदासीनता के कारण स्थानीय दुकानदार एवं राहगीर कोसने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। बहुत परेशानी होता है परसों आने जाने का, देखिए ट्रैफिक में कितना सारा असर पड़ रहा है। इससे पहले भी निकाल के रखा गया था तो उससे पहले उठ गया था, आज निकाला गया है। पहले इससे पहले निकाल के ट्रैक्टर पर लोड करके ले जाया जाता था, अब है कि ये कचरा निकाला है और रोडी पे छोड़ दिया है। देख लीजिए इससे कि जाम की समस्या कितनी लगती है और आने जाने में परेशानी कितनी है। बाबा गरीबनाथ मंदिर यहीं पे बगल में है, उसमें ऊपर श्रद्धालुओं को कठिनाई कितनी हो रही है इसकी वजह से। इसे कैसे आएंगे देख लीजिए ना, रोड पे आने जाने चलने का रास्ता ही नहीं है तो आएंगे कैसे गाँव। सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर द्वारा दिए गए विवादित बयान पर मुजफ्फरपुर न्यायालय में परिवाद दायर किया गया है। सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के द्वारा यादव मुस्लिम और कुशवाहा के खिलाफ दिए गए बयान पर जहां एक तरफ राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ उनके विवादित बयान को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता दिलीप कुशवाहा ने CJM कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया है। इस मामले में धारा 501 और 505 के तहत सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। सांसद ने एक बयान में कहा था कि वह यादव मुसलमान और कुशवाहा का काम नहीं करेंगे। इस बयान पर सामाजिक कार्यकर्ता दिलीप कुशवाहा ने कहा कि उनके भावनाओं को ठेस पहुंची है
और इस तरह का बयान देश को बांटने वाला बयान है। देवेश चंद्र ठाकुर ने समाज में अस्थिरता फैलाने का काम किया है। इस बयान से यादव मुस्लिम और कुशवाहा समाज के लोग मानसिक प्रताड़ना का शिकार हुए हैं। सीतामढ़ी सांसद ने परिहार और डुमरा में खुले मंच से अपना बयान दिया था। इस मामले में कोर्ट ने 2 जुलाई को सुनवाई की तारीख मुकर्रर की है। आज मुजफ्फरपुर न्यायालय में सीतामढ़ी के निवर्तमान सांसद माननीय श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी के ऊपर परिवार दायर किया हूं, जो माननीय न्यायालय के द्वारा अगली तिथि निर्धारित की गई है 2/7/2024 को। जो बीते कुछ दिन पूर्व जन संवाद यात्रा में जो निकले थे माननीय सांसद के द्वारा, जो खुले मन से जाति सूचक खास करके कुशवाहा यादव मुस्लिम समुदाय के लोगों को बोला गया, जो मैं कुशवाहा समाज मुस्लिम समाज और यादव समाज का काम नहीं करूंगा, तो मैं ये सांसद महोदय से कहना चाहता हूं, जो कैसे वो इन्होंने एक शपथ लेते हैं जब तो उन्हें एक संविधान के दायरे में आकर के, और उन्होंने कहता बोलते हैं जो निष्पक्ष कोई भेदभाव नहीं करूंगा और मैं सभी का काम करूंगा, तो एक तरह से आप ये बताइए जो जनता जनप्रतिनिधि चुनते हैं। केस हुआ है जो तत्काल सीतामढ़ी से जो सांसद निर्वाचित हुए हैं देवेश चंद्र ठाकुर, उनके विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमा दर्ज करने वाले हैं सामाजिक कार्यकर्ता हैं दिलीप कुमार कुशवाहा, उन्हीं के तरफ से मुकदमा किया गया है और भादवी की धारा 505 और 501 में हमने मुकदमा उनके विरुद्ध किया। यही मामला सुनवाई की अगली तिथि 2/7/24 निश्चित की गई। आरोप है कि उन्होंने ऐसा बोला है कि यादव मुस्लिम और कुशवाहा जाति के लोगों को काम नहीं करें, जिनसे लोगों में आहत है, लोगों की बात से हम भादवी की धारा 505 और 501 में मुकदमा। मुशहरी प्रखंड के तरौरा गोपालपुर पंचायत के वार्ड नंबर 10 के लोगों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी से मिलकर नल जल योजना की शिकायत की है। मुशहरी प्रखंड के तरौरा गोपालपुर पंचायत अंतर्गत वार्ड नंबर 10 के स्थानीय लोगों ने गुरुवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी से मिलकर नल जल योजना से संबंधित शिकायत की है। ग्रामीणों का कहना है कि लगभग 8 वर्ष पूर्व वार्ड में नल जल योजना की शुरुआत हुई थी, समरसेबल कर दिया गया, लेकिन अभी तक नल का जल नहीं मिला है। इस भीषण गर्मी में पानी की काफी किल्लत हो रही है। स्थानीय ग्रामीण अच्छे लाल पासवान ने बताया कि वार्ड नंबर 10 में नल जल नहीं मिलना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ निश्चय योजना पर बड़ा सवाल है। नल जल योजना के तहत रुपए निकासी कर ली गई, समरसेबल लगा दिया गया, लेकिन ग्रामीणों को पानी नहीं मिला। हम लोगों की मांग है कि इसकी जांच कर ग्रामीणों को पानी मुहैया कराया जाए और जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई की जाए। इसके अलावा शुभम कुमार ने बताया कि 8 से 10 वर्ष हो गए लेकिन स्थानीय लोगों को पानी नहीं मिला। कई बार वार्ड मेंबर से शिकायत की गई लेकिन कोई पहल नहीं की गई। आखिर में हम लोगों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी, पंचायती राज पदाधिकारी एवं जिलाधिकारी को पूरे मामले से अवगत कराया है। उम्मीद है कि अविलंब वार्ड 10 के लोगों को पानी मुहैया कराई जाएगी। इसके अलावा इस योजना में गड़बड़ी करने वाले जो दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई की जाए। जी, हम लोग तरौरा का फलोट पंचायत से आए हैं, वार्ड नंबर 10 के निवासी है। ठीक है, हम लोग को नल जल अभी तक नहीं मिल पा रहा है 10 नंबर वार्ड में। क्या हुआ है जी? 10 साल से ही पूर्व में आपको नल जल करा गया है, उसके बावजूद भी हम लोग को अभी नल जल का पानी नहीं उपलब्ध हो रहा है। पाइप लगा है, सब कुछ लग चुका है। क्या बताया जा रहा है? बताया जा रहा है कि अभी आज कल स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। इसमें हम लोग इससे पहले भी पूर्व में मिल चुके हैं वीडियो साहब से, लेकिन इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। कब बना है समरसेबल? कब लगा था ये? 8-10 साल पूर्व में लग चुका है और तब से जो पानी नहीं मिल पा रहा है। अभी क्या शिकायत की है? शिकायत है कि हम लोग ग्रामवासी से मिले हैं और उसमें सबके सहमति लेकर और वीडियो साहब से आज मिले हैं, मुलाकात हुई है, आवेदन दिए हैं। अगर कार्रवाई नहीं होती है इसमें? कार्रवाई अगर नहीं होती है तो हम लोग सरकार तक जाएंगे। समस्या यही है कि हम लोगों के वार्ड नंबर 10 में 8-10 साल पूर्व माने कि दो समरसेबल गड़ाया है, पाइपलाइन बिछा हुआ है,
नल लगा हुआ है, मगर उस नल से आज तक एक बूंद भी जल नहीं आया है। और भीषण गर्मी में हम लोग काफ़ी पानी के लिए परेशान हैं। क्या बोला जा रहा है वार्ड मेंबर के तरफ? वार्ड मेंबर बोला जा रहा है तो अभी वर्तमान वार्ड मेंबर कहते हैं कि PSD के माध्यम से चला गया है, तो PSD में चला जाएगा तो काम होगा ना, काम तो दिखाई देना चाहिए, वो काम दिखाई दे नहीं दे रहा। क्या मांग की है आप लोग? हम लोग वीडियो साहब से मांग की है कि इसकी जांच किया जाए और दोषी आदमी पर कार्रवाई किया जाए और हम लोगों को नल जल का पानी। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।